सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता, कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या हां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता, जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले उन गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं। और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने इस दौरान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज आप सबके सामने है, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।